समाज का आईना मेरी कहानियां। मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग एक विचार पर मुझे फॉलो करें। दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आया हूं मेरी नई कहानी, जिसका शीर्षक है ससुर की हिदायत। टूटते परिवारों को जोड़ने के लिए छोटी सी कोशिश, उम्मीद करता हूं पसंद आएगी। रजत डीडीए में क्लर्क है और स्नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के रूप में कार्य कर रही हैं। दोनों किसी इवेंट में मिले और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार इस हद तक बढ़ा कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों के परिवार इस शादी से खुश हैं, सिवाय रजत की मां कौशल के। कौशल नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे की शादी किसी नौकरी करने वाली लड़की से करे। उसे तो अपने बेटे के लिए एक घरेलू लड़की चाहिए थी, जो हमेशा उसके पास उसके साथ रहे हैं। लेकिन रजत की मां के अरमानों पर तो जैसे पानी ही फिर गया। अब वह कर भी क्या सकती थी, जब बेटे को यह लड़की पसंद आ ही गई है। तो रजत के पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। रजत की मां ने भी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे अपने नौकरी के शेड्यूल में बिजी होने के कारण स्नेहा सास की महत्वाकांक्षाओं के ऊपर खरी न उतर पाई। वैसे तो स्नेहा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती सास को खुश रखने की। स्नेहा सुबह ड्यूटी जाने से पहले खाना तैयार कर देती, झाड़ू पोछा करती और शाम को घर आकर भी सारा काम स्नेहा ही करती। लेकिन स्नेहा की सास जब पड़ोस की बहुओं को देखती, जो रोजाना सज सवर कर रहती, मांग में सिंदूर, पूरा श्रृंगार करके साड़ी पहनना, हाथों में चूड़ियां पहनना और अपनी सास के साथ बैठना, बातें करना, तो यह सब देखकर स्नेहा की सास को बहुत दुख होता, क्योंकि वह भी ऐसी ही बहू चाहती थी जो हर रोज हर समय उसके साथ रहे, उसके पास रहे। लेकिन स्नेहा तो ज्यादातर सूट सलवार पहनती, मांग में सिंदूर भी केवल नाम मात्र को ही लगाती, हाथों में चूड़ियां तो कभी पहनती ही नहीं थी और अपनी सास के पास बैठने की तो उसकी फुर्सत ही नहीं थी। जब से शादी हुई है तब से एक बार भी कभी स्नेहा ने अपनी सास के पैर नहीं दबाए थे। कभी रविवार की छुट्टी में भी स्नेहा ने अपनी सास के सर में तेल कंघी नहीं किया। छुट्टी के दिन स्नेहा का देर तक सोना तो उसकी सास को दुश्मन लगता था, लेकिन एक ही तो दिन होता था जिसमें चैन से सोना चाहती थी, आराम करना चाहती थी स्नेहा। सप्ताह के 6 दिन तो स्नेहा को ऑफिस और घर दोनों की टेंशन रहती थी। अब इस एक दिन में तो कम से कम थोड़ा शरीर और मन को आराम देना भी जरूरी होता है। लेकिन उधर सास को भी बहू का साथ चाहिए था। दोनों के बीच की यह दूरियां दोनों के संबंधों में खटास पैदा करने लगी। स्नेहा चाहकर भी अपनी सास से कुछ कह ना पाती, लेकिन सास ना चाहते हुए भी अपने मन की भड़ास स्नेहा और रजत पर निकालती। सास हर रोज किसी न किसी बात पर किसी न किसी बहाने स्नेहा को खरी खोटी सुनाने लगती। कभी स्नेहा के कपड़ों को लेकर उस पर ताने मारती, तो कभी उसके श्रृंगार करने के ढंग पर ताने मारती। सास के यह ताने सुनने के बाद भी स्नेहा कभी पलटकर सास को जवाब नहीं देती थी। अब तो स्नेहा कभी कभी साड़ी बांधकर भी ऑफिस जाने लगी। स्नेहा का मन था कि वह घर में एक नौकरानी लगा ली जाए, लेकिन इसके लिए भी उसकी सास ने मना कर दिया। दोनों के बीच की तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि एक दिन गुस्से में आकर स्नेहा ने अपनी सास से कह दिया, यदि मैं आपको पसंद नहीं तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ, आप अपने लड़के की दूसरी शादी कर लीजिए, मैं गुलाम नहीं हूँ आपकी, मैं कमाती हूँ, मैं उन बहुओं में नहीं हूँ जो अपने ससुराल वालों को अत्याचार सहेगी और घर में किसी कोने में पड़ी रहेगी। इतना कहकर स्नेहा गुस्से में अपना बैग उठाती है और ऑफिस के लिए चल देती है। रजत और उसके पिता यह सब देख रहे थे, लेकिन दोनों ही में से किसी ने कुछ नहीं कहा। रजत के पापा ने रजत से कहा, आज शाम के समय जब ऑफिस से आओ तो बहू के साथ आना और उससे आज के झगड़े के बारे में बात करना, क्योंकि यह झगड़ा अब बढ़ता जा रहा है। यदि इसमें अब कुछ ना किया गया तो ज्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा
और मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। मैं भी तेरी माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ। पापा की बात मानकर रजत भी अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस से रजत स्नेहा को फोन करता है और कहता है, स्नेहा जब ऑफिस से निकलो तो बता देना, दोनों साथ चलेंगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले तो स्नेहा रजत की बात को ज्यादा अहमियत नहीं देती, लेकिन बाद में ऑफिस से चलते समय वह रजत को कॉल कर देती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हैं। अब मूड कैसा है तुम्हारा स्नेहा? रजत ने स्नेहा से पूछा। मेरा मूड कुछ भी हो तुम्हें इससे क्या, तुम्हें परवाह है कभी मेरे मूड की? माँ मुझे इतना बुरा भला कहती है, कभी तुम उफ तक नहीं करते। मुझे मालूम है रजत, माँ हमारी शादी से खुश नहीं है। उनको बहू नहीं, उनको तो कोई जानवर चाहिए था अपने घर में बांधने के लिए, जिस पर वे हर समय अपना हुक्म चलाती रहती। अरे मैं नौकरी करती हूँ, पैसा कमा कर लाती हूँ, सारा दिन ऑफिस में काम करती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, क्या मैं थकती नहीं हूँ? उस पर घर का सारा काम करती हूँ, चूल्हा चौका सब कुछ। रजत हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं, मैंने आज तक माँ को पलट कर जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है तो मैंने आज माँ को जवाब दिया है। रोजाना की किचकिच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा नहीं है रजत कि मुझे सुबह बुरा नहीं लगा, मुझे भी दुख हुआ है कि माँ को मैंने इतने बुरे तरीके से बातें कह दी। पता है रजत, इन 2 सालों में हम कभी एक छुट्टी के दिन भी फिल्म देखने नहीं गए, कहीं घूमने नहीं गए, बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, मानो जिंदगी किसी गुलाम की तरह काट रही हूँ। जितनी बातें मुझे तुम्हारी माँ कहती है, इतनी बातें तो कभी मुझे मेरी माँ ने भी नहीं कही। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ रजत, या तो कहीं अलग कमरा ले लो, हम अलग रहेंगे, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। इतना कहकर स्नेहा चुप हो जाती है। लेकिन स्नेहा वह माँ है, अगर उसने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? जिस तरह से तुमने आज माँ से बात की है, वह तुम्हारा तरीका बहुत गलत था। और रही बात अलग रहने की, तो मैं माँ और पिताजी से अलग नहीं रहूंगा। तुम्हें अपनी कमाई का घमंड है तो उस घमंड को रखो अपने पास। तुम कहती हो कि माँ ही तुम्हें सब कुछ कहती है, क्या कभी सोचा है कि ऑफिस से अलग भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं? रजत ने अपनी बात पूरी भी न की थी कि स्नेहा बीच में ही बोल पड़ती है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती और ना ही मेरी किसी से के लिए कोई जिम्मेदारी है। जब तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो बता देना, अपने घर जा रही हूँ, समझे? इतना कहकर स्नेहा खड़ी होकर चल देती है। जब स्नेहा को रोकने की कोशिश करता है रजत, लेकिन वह नहीं रुकती और वह वहां से सीधी घर आ जाती है। घर आकर स्नेहा अपना सामान पैक करने लगती है, पीछे पीछे रजत भी आ जाता है। दोनों का इस तरह घर में आना पिताजी को हैरान कर देता है। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यदि इस समय कोई सही कदम नहीं उठाया गया तो परिवार बिखरने वाला है। पिताजी अंदर आए और स्नेहा से बोले, क्या कहीं जा रही हो बेटी? हाँ पापा, मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, स्नेहा ने जवाब दिया। ठीक है, चले जाना, लेकिन अब रात हो चुकी है, अब मत जाओ, कल सुबह चले जाना। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटी। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि अभी मत जाओ, कल सुबह जाना। इतना कहकर पिताजी कमरे से बाहर आ जाते हैं। स्नेहा भी अपना जाना कैंसिल कर देती है। अगले दिन सुबह स्नेहा पिताजी के लिए चाय लेकर आती है। पिताजी घड़ी देखते हैं तो घड़ी में सुबह के 6 बजे हुए थे। पिताजी हल्का सा मुस्कुराते हैं और स्नेहा को धीमी सी आवाज में कहते हैं, आज तो रविवार है ना शायद? चलो अच्छा है, आज तुम्हारी सास ने चाय नहीं दी, तुम ले आई। लेकिन बेटी रविवार के दिन तुम तो देर तक सोती हो, आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? ओहो, आज तुम्हें अपने मायके जाना है, अच्छा है। इतना कहकर पिताजी चाय की चुस्की लेने लगे। बैठो बेटी, और मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, 10 मिनट का टाइम है ना तुम्हारे पास मेरी बातें सुनने का? हाँ पापा, कहिए, स्नेहा ने पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा स्नेहा बेटी, एक बात बताओ, जिस दिन तुम्हारी कंपनी में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था तो इंटरव्यू के समय तुमसे आखिरी क्वेश्चन क्या किया गया था, याद है ना? हाँ पापा, मेरे बॉस ने पूछा था कि हम तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी क्यों दें। तो तुम्हारा क्या जवाब था बेटा?
मैंने जवाब दिया कि मेरे अंदर वह काबिलियत है कि मैं आपकी कंपनी को बहुत आगे तक ले जा सकती हूँ, और मुझे लगता है कि जितनी जरूरत मुझे नौकरी की है उतनी ही जरूरत आपकी कंपनी को मेरी और मेरे टैलेंट की है। पिताजी ने चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गुड। दूसरा सवाल, बेटी तुम्हें कंपनी में किस पोस्ट पर ज्वाइन किया गया था? सेल्स एग्जीक्यूटिव, स्नेहा ने जवाब दिया। तुम्हारा प्रमोशन क्यों और कितने दिन बाद हुआ? पिताजी ने फिर सवाल किया। मेरी परफॉर्मेंस देखते हुए कुल 3 महीने के बाद ही मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव से सेल्स मैनेजर बना दिया गया, और फिर 1 साल बाद मुझे कंपनी का मैनेजर बना दिया गया, स्नेहा ने जवाब दिया। पिताजी फिर चाय की चुस्की लेते हुए, वेरी गुड। उस कंपनी में तुम इतनी जल्दी ग्रोथ कर ली गई बेटी, और वह भी इतने कम समय में, लेकिन इस कंपनी में तुम 2 साल बाद भी ग्रोथ न कर पाई बल्कि फेल हो गई। कभी इसका कारण खोजने की कोशिश की? पिताजी ने अजीब मुद्रा में मुंह बनाकर चश्मे के ऊपर से देखते हुए स्नेह से सवाल किया। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हो, इसलिए आज मैनेजर हो। मैनेजर का अर्थ समझती हो बेटी? हाँ पापा, स्नेहा ने कहा, जो व्यवस्था बना सके अर्थात व्यवस्थापक। लेकिन इस कंपनी में सारे घर में उंगली घुमाते हुए तुम्हारा डिमोशन कैसे हुआ? हल्का सा मुस्कुराते हुए पिताजी ने स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा, जब इस सवाल का जवाब मिल जाए तब अपने घर चली जाना। तुम्हारी सास इस कंपनी का मालिक है और मैं तुम्हें इस कंपनी का मैनेजर बनते देखना चाहता हूँ। अब जो तुम्हें ठीक लगे वह करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा बेटी। स्नेहा पिताजी से कुछ कहे बिना खड़ी होकर अपने कमरे की ओर चल देती है। पिताजी ने स्नेहा से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह समझ चुकी थी कि पिताजी उसे क्या कहना और क्या समझाना चाहते हैं। अचानक जैसे स्नेहा को पर लग गए हों, वह रसोई में गई और चाय का कप लेकर सीधा अपनी सास के पास पहुंची। सास पहले से ही मुंह फुलाए बैठी थी। सास को चाय का कप देते हुए, आपसे नहीं लड़ूंगी तो किससे लड़ूंगी माँ? ऑफिस में बॉस से लड़ूंगी तो नौकरी से निकाल देगा। आप इतनी अच्छी हो कि लड़ने के बावजूद भी मुझे घर से जाने के लिए नहीं कहा, सास के हाथ में चाय का कप थमाते हुए कहती है स्नेहा। जब आपकी सास आपको डांटती थी तो आपको भी बुरा लगता होगा, बस फर्क इतना है आप उनसे कुछ नहीं कहती होंगी और मैंने आपसे कह दिया। मुझे मालूम है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या अपनी बेटी को माफ नहीं करोगी माँ? इतना कहते कहते स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। बहू की आंखों में आंसू देख झट से माँ ने स्नेहा के सर पे हाथ रखा और बोली, तू जानते है ना मुझे चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी चाहिए, कुछ खाने के लिए लेकर आ। स्नेहा झट से रसोई में गई और माँ के लिए मट्ठी लेकर आई। स्नेहा में एक इतना परिवर्तन देख रजत तो जैसे चौंक ही गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह एक कौन सा चमत्कार हो गया। कल माँ के साथ झगड़ने वाली स्नेहा आज माँ से किस तरह बात कर रही है, उसे सब कुछ सपना सा लग रहा था। वह बार बार अपनी आंखों को मलता, अपने हाथों पर चीटी काटता, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था अचानक इस परिवर्तन का रहस्य। आज स्नेहा ने माँ के नहाने के लिए गर्म पानी किया, माँ को नहलाया, उनके सर में तेल कंघी किया, सभी ने हल्का फुल्का नाश्ता किया और सभी ने एक साथ बाहर घूमने का प्लान भी बनाया। आज पूरा परिवार खुश था, सभी घूमकर देर रात तक वापस आए। आज सभी ने लंच और डिनर बाहर ही किया, मूवी भी देखी, सभी लोग खुश थे। लेकिन रजत को यह सब कोई सपना सा लग रहा था। वह एक आश्चर्य के साथ जी रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। रजत बार बार स्नेहा से पूछता, इस परिवर्तन का क्या कारण है, तो वह बोल देती, कुछ नहीं। रजत जब माँ से पूछता तो वह भी कोई जवाब नहीं देती। अब हर रोज रात को घर का सारा काम सास बहू दोनों साथ मिलकर निपटा लेती। पूरे परिवार का नियम बन गया, रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा सभी एक साथ बैठकर बातें करते। रजत पिताजी के पैर दबाता तो स्नेहा मां के पैर दबा दी थी।
अब सास बहू मिलकर सारा काम करती। ऑफिस पहुंचने के बाद भी कभी स्नेहा घर पर फोन करती तो कभी माँ स्नेहा के ऑफिस में फोन करके स्नेहा का हालचाल ले लेती। अब तो माँ अपनी बहू की बड़ाई करती न थकती, पूरे मोहल्ले में माँ स्नेहा की बड़ाई करती घूमती रहती है। अब तो माँ स्नेहा को जींस पहनने से भी नहीं रोकती थी और स्नेहा को अब सूट सलवार से ज्यादा साड़ी पहनना पसंद है। वह माँ को अब माँ को लगने लगा कि जैसी बहू की कल्पना उसने की थी उसकी बहू उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी है। एक दिन रजत ने पापा से इस परिवर्तन का कारण पूछा कि किस तरह स्नेहा और माँ दोनों में इतना परिवर्तन आया, तो पापा ने रजत को समझाते हुए कहा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, केवल दोनों को अलग अलग बैठा कर इन दोनों की जनरेशन में अंतर को समझाया। मैंने तेरी माँ को समझाया कि अपनी बहू के मन में अपना डर मत पैदा करो, उसके दिल में अपने लिए प्यार पैदा करो। जिस तरह मेरी माँ ने तुम्हारे दिल में अपने लिए डर पैदा किया, तुम अपनी बहू के लिए वह डर पैदा मत करो। तुम अपना व्यवहार वह रखो जो तुम अपनी सास से चाहती थी अपने लिए। मैं तुम्हारी माँ को समझाया कि तुम स्नेहा की वह सास मत बनो जो मेरी माँ तुम्हारी सास थी, बल्कि तुम स्नेहा की वह सास बनो जो सास तुम अपने लिए चाहती थी। और बेटा, यही बात मैंने स्नेहा को समझाई कि तुम अपनी सास के साथ वह व्यवहार करो जो व्यवहार तुम अपनी बहू के लिए चाहती हो, अपनी बहू से अपने लिए चाहती हो। देख लो, सब ठीक हो जाएगा। इन दोनों की समझ में यह जनरेशन गैप आ गया, बस इसलिए अब सब ठीक है। बेटा, घर बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमारी इच्छाएं और उनकी पूर्ति करना। यदि व्यक्ति एक दूसरे की इच्छा और भावनाओं को सम्मान करने लगे तो परिवार टूटने और बिखरने से बच जाएंगे। और सच भी है दोस्तों, यदि हम अपने परिवार में रहते हुए एक दूसरे की इच्छा और भावनाओं का सम्मान करें तो हम अपने रिश्तों को मजबूती दे सकते हैं, अपने रिश्तों को बिखरने से बचा सकते हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर जल्दी ही मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।